कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे सबक सिखाती है कि उसका सबक लेने का एहसास भी नहीं होता। बेशक इस जिंदगी का दूसरा नाम मौत है। जिंदगी और मौत के बीच में जो फासला होता है उसे खुशियां कहते हैं। पर कुछ बदकिस्मत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये खुशी नसीब नहीं होती। हमारे फिल्म जगत में दो लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी का दिया कब बुझ गया पता ही नहीं चला। वे दो लोग थे महावीर शाह और मुकेश रावत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेरी यानी अनामिका की आवाज बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी चैनल पर। कई मायनों में महावीर और मुकेश का करियर और जिंदगी मिलती जुलती है। महावीर शाह का जन्म गुजराती परिवार में 5 अप्रैल 1960 को मुंबई में हुआ था, तो वहीं मुकेश रावल का जन्म भी गुजराती परिवार में 1951 के साल में हुआ था। सबसे पहले महावीर शाह के प्राथमिक जीवन पर चर्चा करते हैं। महावीर शाह को बचपन से ही अभिनय क्षेत्र में रुचि थी, क्योंकि वो दिखने में बड़े खूबसूरत थे और आंखें भी विदेशी लोगों जैसी थी। इसीलिए दोस्तों के लिए वे पहले ही सुपरस्टार बन चुके थे। उन्हें हीरो बनने की इच्छा थी, पर किस्मत ने उनसे खलनायकी वाले किरदार करवाए। आपको बता दूं कि महावीर शाह फिल्मों में आने से पहले गुजराती थिएटर का जाना माना चेहरा था। वहां उनका भाव ज्यादा था। फिल्मों की रंग बिरंगी दुनिया ने उन्हें अपने पास बुला लिया। अपने जीवन में नकारात्मक भूमिकाएं निभाने वाले महावीर की ऐसी फिल्म का नाम बताना असंभव है जिसमें उन्होंने सकारात्मक भूमिका निभाई हो। इस वजह से ये काम आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर करना है। हमारे हिसाब से सलमान खान की जुड़वा फिल्म में उनका किरदार सकारात्मक था। बाकी 90 से भी अधिक फिल्मों में उन्होंने विलन की भूमिकाएं अदा की थी। बहुत लोगों का मानना है कि उनकी पहली फिल्म अब क्या होगा थी, जो साल 1977 में रिलीज हुई थी, पर 1976 की भला मानुस महावीर शाह की पहली फिल्म है। इस फिल्म में वे बेहद ही जवान और स्मार्ट दिख रहे हैं। जी हाँ, इससे पहले मैं अपने फादर के साथ काम करता था। उनका भी आप ही की तरह एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस था। हीरो बनने की कोशिश रंग नहीं आई, पर फिल्मकार उनसे खलनायक के किरदार करवाने लगे। पर यहाँ भी उनका नाम रोशन हुआ नहीं। उन्हें आजीवन इस बात का मलाल रहा कि उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा अवसर मिला नहीं। फिर भी दर्शकों ने उनके चेहरे को याद रखा। किरदार छोटा हो या बड़ा, उनकी उपस्थिति लाजवाब होती थी। इसीलिए तो उन्होंने मात्र 13 साल में 100 से भी अधिक फिल्मों में काम किया था। उनकी पत्नी का नाम चेतना शाह है, जिनसे उन्हें एक बेटा और एक बेटी हुई। फिल्म इतिहासकारों की माने तो उन्हें घूमने फिरने का शौक था। अमेरिका जाने के लिए उन्होंने 2 महीनों की छुट्टी ली थी। 31 अगस्त 2000 के दिन महावीर शाह अपने परिवार के साथ डेट्रॉइट से शिकागो कार से जा रहे थे। अचानक सामने से एक गाड़ी आई और बड़ा हादसा हुआ। उस वक्त वे जिंदा थे। अपने परिजन को देखने के लिए वे आन फान में गाड़ी से बाहर निकल ही रहे थे कि दूसरी गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी और वहीं महावीर शाह की मौत हो गई। दुर्भाग्य से इस भयानक दुर्घटना की बड़ी न्यूज बनी नहीं। फिल्म जगत से इतना बढ़िया कलाकार गायब हुआ, इस खबर से किसी को कुछ अफसोस हुआ नहीं। रामायण के विभीषण वाले किरदार में चमक चुके मुकेश रावल की जिंदगी भी कुछ इसी प्रकार की थी। मुकेश भी गुजराती थिएटर से जुड़े हुए थे। बहुत कम लोगों को पता है कि मुकेश रावल अभिनय के अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा में लिपिक की जॉब करते थे। नौकरी करना तो उनका पेशा था, पर गुजराती रंगमंच के वे अमिताभ बच्चन थे। एक दिन रामानंद सागर ने उन्हें रंगमंच पर देखा और उन्हें अपनी आगामी सीरियल रामायण में कास्ट करने का मन बना लिया। मुकेश रावल इंद्रजीत की भूमिका निभाना चाहते थे, पर रामानंद सागर ने उन्हें विभीषण का ऑडिशन देने को कहा। रामायण सीरियल के बाद मुकेश रावल को घर घर में पहचान मिली। दुर्भाग्य से इस पहचान का उन्हें कोई फायदा हुआ नहीं। अक्सर देखा जाता है कि टाइपकास्ट वाले किरदार के कारण कलाकारों को पूरी तरह से खुलने का मौका मिलता नहीं। रामायण की शूटिंग के दौरान मुकेश काफ़ी व्यस्त रहने लगे। उनकी व्यस्तता इतनी बढ़ गई कि बैंक ऑफ बड़ौदा की नौकरी खतरे में आ गई। गैरहाजिरी के कारण बैंक ने उन्हें सस्पेंड किया। कुछ समय के बाद मुकेश रावल की लोकप्रियता को देखते हुए बैंक ने उन्हें दोबारा बुला लिया और उन्हें अपने मन के हिसाब से छुट्टियां लेने की मुफा भी दे दी। रामायण सीरियल के अलावा वे हिंदी सिनेमा में भी दिखाई दिए थे, पर
पर क्योंकि वे टाइपकास्ट कलाकार थे इसलिए उन्हें ज़्यादा फिल्में मिली नहीं। 2001 में उन्होंने अपनी नौकरी से संन्यास लिया और गुजराती थिएटर में फुल टाइम काम करने लगे। मुकेश रावल की जिंदगी उस वक्त ढलान पर आई जब उनका अभिनेता बेटा विप्रा रावल एक ट्रेन दुर्घटना में मारा गया। कुछ समय के बाद बेटी आर्या रावल की शादी हुई और मुकेश रावल अकेले पड़ गए। इस अकेलेपन के कारण वे डिप्रेशन के शिकार हो गए। आपको बता दूं कि मुकेश रावल की बेटी आर्या रावल खिचड़ी जैसे सीरियल में दिख चुकी है। फिल्म इतिहासकारों के अनुसार मुकेश रावल को काम की कोई कमी नहीं थी। फिल्में मिले या ना मिले, रंगमंच ने उनका साथ दिया था। पर क्योंकि अपने बेटे की मौत ने उन्हें गम में डुबा दिया, इसीलिए वे कभी इस बात से उभर नहीं सके। इसके बाद 15 नवंबर 2016 के दिन मुकेश रावल की लाश मुंबई के कांदिवली में पटरी पर मिली। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पता चला कि उन्होंने आत्महत्या की थी। पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मुकेश रावल डिप्रेस जरूर थे, पर आत्महत्या करने जैसी कोई बात नहीं थी। खबरों के अनुसार इस घटना से पहले मुकेश रावल अपने मरे हुए बेटे को लेकर बहुत अधिक डिप्रेस थे। अगर मुकेश रावल आज जिंदा होते तो दूसरी बार रामायण की लोकप्रियता देखकर गर्वित महसूस करते। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।